देखिए, पीठासीन अधिकारी की डायरी में पीठासीन द्वारा प्रत्येक 2 घंटे में पड़े मतों की संख्या भरनी होती है और ये सूचना अपने सेक्टर मजिस्ट्रेट को भी देनी होती है। पीठासीन अधिकारी प्रत्येक 2 घंटे में पड़े मतों की संख्या अपनी डायरी के अतिरिक्त मोबाइल ऐप में भी फीड करेंगे। और यहाँ पर देखिए, पोल स्टार्ट की सूचना देनी है, उसके बाद देखिए वोटर टर्नआउट टिल 9 o'clock, 11 o'clock, 1 o'clock, 3 o'clock, टिल 5 o'clock, फिर उसके बाद फाइनल वोटर टर्नआउट और पोलिंग क्लोज्ड की सूचना इस ऐप के माध्यम से देनी है। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और इसे शेयर भी कर दें। ऐप को आप ओपन करेंगे, यहाँ पर देखिए प्रिसाइडिंग ऑफिसर आपको सेलेक्ट करना है, मोबाइल नंबर टाइप करेंगे, लॉगिन ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे, गेट ओटीपी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ओटीपी टाइप करके वेरीफाई ओटीपी ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे, ऐप लॉगिन हो जाएगा। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक कर लें और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथियों, ऐप में एक बड़ा बदलाव किया गया है। सबसे पहले आप अपने पोलिंग स्टेशन की सूचना देख लेंगे, उसके बाद मेल फीमेल वोटर की संख्या आप यहाँ पर देख लेंगे, उसके बाद वेरीफाई वोटर ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। यदि यह संख्या सही है तो यस ऑप्शन पर क्लिक कर दें और अगर गलत है तो नो ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से मेल फीमेल वोटर की संख्या आप सही कर पाएंगे। ये संख्या आपको अपनी वोटर लिस्ट से मिलान कर लेनी है। उसके बाद देखिए, आपको मॉक पोल का स्टेटस बताना है। यदि आपके यहाँ मॉक पोल हो गया है तो आप मॉक पोल स्टेटस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद 7 बजे आप पोलिंग स्टार्ट की सूचना देंगे। देखिए, हर टाइम फ्रेम से पहले आपको एक नोटिफिकेशन, एक अलार्म सुनाई देगा। यदि आप भूल भी जाते हैं तो वो अलार्म आपको याद दिलाएगा कि आपको ये काम करना है। अब देखिए, पीठासीन अधिकारी को अपनी डायरी में प्रत्येक 2 घंटे में पड़े मतों की संख्या भरनी होती है और परसेंटेज भरना होता है। तो जब आप इसे ऐप में डाटा भरेंगे तो यहाँ से आपको परसेंटेज ऑटोमेटिक मिल जाएगी, तो इस परसेंटेज को आप अपनी डायरी में लिख सकते हैं। तो ये इस ऐप से आपको फ़ायदा होने वाला है। सबसे पहले आप अपने बूथ की जानकारी, मेल फीमेल वोटर्स की जानकारी देख लेंगे, उसके बाद सुबह 7 बजे आपको पोलिंग स्टार्ट की सूचना देनी है, फिर उसके बाद 9 बजे आपको वोटर टर्नआउट की सूचना देनी है जिसमें मेल फीमेल और अदर की जानकारी आप देंगे। उसके बाद देखिए, जैसे ही 9 बजेंगे आपको ये अलार्म सुनाई देगा। नमस्कार, ये रिमाइंडर है, कृपया MPS ऐप में अभी तक का क्रमिक पोलिंग डेटा अपडेट करें, धन्यवाद। 9 बजे का डाटा देने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो देखिए, इस तरीके से ऑप्शन दिखेंगे, यहाँ पर आप मेल वोटर की संख्या भरेंगे, फीमेल वोटर की संख्या भरेंगे, थर्ड जेंडर की संख्या भरेंगे और सबमिट ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। तो देखिए, यहाँ पर आपको ये सूचना अधिकतम 9:20 तक दे देनी है, यानी कि हर टाइम स्लॉट में ये सूचना आपको 20 मिनट में दे देनी है। जब आप ये सूचना दे देंगे तो ये फील्ड ग्रीन हो जाएगा। अगर आपको ये लगता है कि आपसे गलत डाटा फीड हो गया है तो आप इसे 9:30 बजे तक संशोधित कर सकते हैं। संशोधन के लिए आप उसी फील्ड पर क्लिक करेंगे, सबसे पहले आपको ये डाटा डिलीट करना है। डिलीट करने के बाद ये फील्ड रेड कलर में शो करने लगेगा, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, सही डाटा भरेंगे तो ये फील्ड ग्रीन हो जाएगा। 9:30 बजे के बाद ये डाटा सेक्टर मजिस्ट्रेट के स्तर से ही संशोधित हो पाएगा, आप इसको स्वयं संशोधित नहीं कर पाएंगे। इसी तरीके से 11 बजे का टाइम होते ही आपको अलार्म सुनाई देगा और यहाँ पर आपको क्रमिक पोलिंग डाटा देना है। क्रमिक पोलिंग डाटा हम देखते हैं, देखिए पीठासीन अधिकारी की डायरी में प्रत्येक 2 घंटे में पड़े मतों की संख्या अलग अलग देनी होती है और इस ऐप में आपको क्रमिक पोलिंग डाटा भरना है। क्रमिक पोलिंग डाटा क्या है, देखिए सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपके यहाँ 75 पुरुष मतदाता आए, 54 महिलाएँ आईं, कुल 129 वोट पड़े, ये सूचना आपने यहाँ पर भर दी। अब 9 से 11 वाले स्लॉट में 50 पुरुष, 28 महिला, तो कुल 78 वोट आपके पड़े। तो इसमें आपको क्या करना है, जब आप 11 बजे का डाटा ऐप में भरेंगे तो 9 बजे वाला डाटा आपको ऐड करते हुए भरना है। तो कुल पुरुष हो गए आपके यहाँ 125, कुल महिला वोटर हो गए 82 और कुल वोट आपके यहाँ पड़े 207, तो ये डाटा आपको भरना है। इसी तरीके से आपको यह सूचना क्रमिक प्रारूप में 5 बजे तक देनी है। इसी तरीके से जब आप 1 बजे का डाटा भरेंगे तो 11 बजे वाला डाटा ऐड करते हुए इसमें भरेंगे। इसी तरीके से जब 3 बजे वाला डाटा भरेंगे तो उसमें 1 बजे वाले डाटा को ऐड करते हुए भरेंगे, क्योंकि पीठासीन की डायरी में प्रत्येक 2 घंटे में पड़े मतों की संख्या अलग अलग देनी है और इस ऐप में आपको क्रमिक डाटा देना है, यानी कि पिछले डाटा को ऐड करते हुए डाटा आपको देना है।
अब बात आती है फाइनल वोटर टर्न। साथियों ऐप के नए वर्जन में फाइनल वोटर टर्नआउट को हटा दिया गया है। उसके स्थान पर आपको ये इन्फॉर्मेशन देनी है कि आपके पोलिंग स्टेशन पर शाम को 6 बजे के बाद क्यू लगी हुई है, लाइन लगी हुई है, तो आपको इस बटन पर क्लिक कर देना है। और यदि क्यू नहीं लगी हुई, लाइन नहीं लगी हुई, आपके यहाँ पोल क्लोज हो गया है, तो आप पोलिंग क्लोज वाले बटन को दबा देंगे। तो आप इस तरीके से पोलिंग क्लोज्ड की सूचना आप यहां से दे देंगे। फाइनल वोटर टर्नआउट ऑप्शन को हटा दिया गया है। साथियों अब बात आती है ये ऐप आपको कहां से मिलेगा। तो ये ऐप आपको प्ले स्टोर से नहीं मिलेगा। आपके जनपद में पोल से 1 या 2 दिन पहले ये APK आपको मिलेगी। ये APK आपके साथ सेक्टर मजिस्ट्रेट द्वारा शेयर की जाएगी, वहाँ से आप इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे। साथियों आपको हमारा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करना न भूलें।